नमस्कार। अडानी के लिए किस हद तक जा सकते हैं मोदी और क्या है सरकार का मोदानी मॉडल, आज इसी पर चर्चा करेंगे। हाल ही में जो मामला प्रकाश में आया है वह ऊर्जा यानी बिजली, बिजली की आपूर्ति के लिए दो राज्यों की सरकारों द्वारा इनवाइट किए गए टेंडर्स को लेकर है और इन टेंडर्स पर खासा बवाल मचा हुआ है। तो आज उसी की चर्चा हम अपने इस एपिसोड में करेंगे। तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव क्या है? रिपोर्टर्स कलेक्टिव, रिपोर्टर्स कलेक्टिव खोजी पत्रकारों का एक समूह है, एक ग्रुप है जो इस प्रकार की अनियमितताओं, भ्रष्टाचार, अन्याय इत्यादि इत्यादि इस तरीके के जो जिसको कहते हैं कि दो नंबर के काम होते हैं उनका पर्दाफाश करने का काम करते हैं अपनी खोजी पत्रकारिता के माध्यम से। तो उन्होंने, रिपोर्टर्स कलेक्टिव ने अपनी ताजा खोजी रिपोर्ट में खुलासा किया है कि भाजपा शासित राज्यों की सरकारें इस प्रकार की शर्तों के साथ टेंडर इनवाइट कर रही हैं कि जिससे उन राज्यों में बिजली आपूर्ति का ठेका केवल और केवल अदानी की पावर कंपनियों के पक्ष में छूटे। तो महाराष्ट्र में गत 15 सितंबर को अदानी को इसी प्रकार से एक ऐसे ही टेंडर के माध्यम से जिसमें की शर्तें अडानी के पक्ष में जाती थी उसका ठेका मिला बिजली आपूर्ति का, और वो भी 25 वर्षों के लिए। तो महाराष्ट्र का ठेका मिला और महाराष्ट्र सरकार द्वारा अडानी को दिए गए इस ठेके पर महाविपक्ष, जो महाविकास आघाड़ी है, जो विपक्ष है, उन्होंने काफी विरोध किया, काफी बवाल मचा महाराष्ट्र के अंदर। लेकिन वो बवाल अभी थमा भी नहीं था कि उसके तुरंत बाद यही सब भाजपा शासित राज्य राजस्थान में भी दोहराया गया। इसी तरीके से टेंडर की प्रक्रिया बिजली आपूर्ति के लिए दोहराई गई और उस इसी प्रकार से बिजली आपूर्ति की निविदाएं आमंत्रित की गई। तो पावर सप्लाई के लिए महाराष्ट्र और राजस्थान की सरकारें जो निविदाएं आमंत्रित करती हैं, टेंडर आमंत्रित करती हैं, वो आश्चर्यजनक रूप से, वर्ड मेरा नोट कीजिए, आश्चर्यजनक रूप से उन दोनों टेंडर्स की भाषा एक होती है और न केवल भाषा एक होती है बल्कि उसमें शर्तें भी कमोबेश पूरी एक जैसी है, एज इफ कॉपी पेस्ट हो। और इसके अलावा जो सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली बात है कि वो शर्तें ऐसी है जो दोनों टेंडर्स में एक जैसी है, वो शर्तें ऐसी हैं कि जिनको कि इस देश में जितनी भी पावर सप्लाई कंपनीज हैं उनमें से अडानी ही पूरी कर सकते हैं। तो क्या है वो शर्तें, आप जानना चाहेंगे ऐसी क्या शर्तें हैं कि जो अडानी ही पूरी कर सकता है, और या शर्तों इस प्रकार की शर्तें लगाई गई जो कि अडानी की विद्युत उत्पादन क्षमता से मेल खाती हो। तो इसमें सबसे पहली और हैरान करने वाली शर्त यह है कि निविदाकर्ता के पास न केवल सौर ऊर्जा, सोलर एनर्जी, निविदाकर्ता के पास न केवल सौर ऊर्जा बल्कि थर्मल ऊर्जा, थर्मल मतलब कोयले से पैदा करने वाली ऊर्जा। तो सौर ऊर्जा और थर्मल ऊर्जा दोनों का उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए। मतलब कहने का अभिप्राय ये कि वही आवेदन करें, वही कंपनियां आवेदन करें जिनके पास सोलर और थर्मल दोनों प्रकार की ऊर्जा उत्पादन की क्षमता हो। तो अब जो है महाराष्ट्र सरकार ने जो मांग रखी, उन्होंने कहा कि हमें 6600 मेगावाट बिजली की आपूर्ति चाहिए और उसके लिए टेंडर में लिखा गया कि 5000 मेगावाट जो है वो तो सोलर ऊर्जा चाहिए, सोलर एनर्जी चाहिए हमें, और बाकी बचे 1600 मेगावाट थर्मल पावर होनी चाहिए, कोयले से ऊर्जा वाली ऊर्जा पूर्ति होनी चाहिए। इसी प्रकार से सेम इसी प्रकार की शर्त, यहाँ देखेंगे आप, दो तरह की ऊर्जा उत्पादन करने की क्षमता होनी चाहिए उत्पादनकर्ता में, वही शर्त
उसके बाद जो टेंडर राजस्थान सरकार ने निकाला उसमें भी बिल्कुल ऐसी ही शर्त कि दोनों प्रकार की ऊर्जा करें, और उन्होंने मांग रखी 11,200 मेगावाट के लिए निविदा आमंत्रित की, टेंडर आमंत्रित किया, जिसमें कि 8,000 मेगावाट तो सोलर एनर्जी की मांग की और 3200 मेगावाट थर्मल ऊर्जा की उन्होंने आपूर्ति मांगी। यहां तक बिल्कुल एक सा मामला चल रहा है, दोनों में कॉपी पेस्ट चल रहा है। अब आ जाइए दूसरी शर्त के ऊपर। ये मैंने आपके ऊपर को पहली शर्त बताई, दूसरी शर्त तो और ज्यादा हैरान करने वाली है। महाराष्ट्र के टेंडर में यह छूट दी गई कि ऊर्जा सप्लायर, जो भी ऊर्जा उत्पादन कंपनियां हैं जो भी अप्लाई करेंगी, वो चाहे तो महाराष्ट्र में या फिर राज्य से बाहर, महाराष्ट्र राज्य से बाहर किसी भी राज्य में जहां उनको उचित लगे, वो 1600 मेगावाट की क्षमता का पावर प्लांट लगा सकती है। 1600 मेगावाट किसके लिए? थर्मल पावर के लिए लगा सकती है, और वहां से पावर सप्लाई, वो थर्मल पावर सप्लाई किसी भी राज्य में लगाएं वहां से वो दे सकती है। और यही शर्त जो है सौर ऊर्जा के लिए भी है कि वो जरूरी नहीं है कि महाराष्ट्र राज्य के अंदर ही सोलर प्लांट हो, आप सोलर ऊर्जा जो है बाहर, राज्य के बाहर से भी सप्लाई दे सकते हैं। लेकिन राजस्थान के टेंडर में यह शर्त कुछ अलग है। यहां आता है भेद। राजस्थान के टेंडर में शर्त यह है कि दोनों तरह के पावर प्लांट्स जो उत्पादन करता है, दोनों तरह के पावर उत्पादित करता होगा, तो उसके दोनों तरह के पावर प्लांट राज्य सरकार की हद में ही होने चाहिए, मतलब राजस्थान में ही होने चाहिए। अब आप इसमें समझिए बात को कि ऐसा क्या हुआ कि बाकी तो शर्तें और सब एक जैसी, लेकिन पावर प्लांट एक राज्य कह रहा है कि बाहर से भी ला सकते हैं, दूसरा राज्य कह रहा है कि नहीं, पावर जो है, जो उत्पादन होगा पावर का, वो राज्य के अंदर ही होना चाहिए, यही लगने चाहिए पावर प्लांट्स। तो ये इसमें ही सारा भेद छुपा हुआ है कि किस तरीके से, क्यों इस शर्त को महाराष्ट्र में अलग किया गया और राजस्थान में अलग रखा गया। देखिए, महाराष्ट्र में जो पावर सप्लाई, जो 1600 मेगावाट जो थर्मल पावर है, उसकी सप्लाई बाहर से लाने की इजाजत क्यों दी गई? क्यों? क्योंकि जो अडानी है उनके 3 थर्मल पावर प्लांट्स, उनके 3 अलग अलग राज्यों में थर्मल पावर प्लांट्स आने वाले हैं, उत्पादन शुरू होने वाला है, वो है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। उन 3 राज्यों में उनके 1600 मेगावाट के उन्होंने प्लांट्स की, जो क्योंकि एनर्जी सेक्टर में बहुत काफी बड़े पैमाने पे अडानी सेक्टर इन्वेस्ट कर रहा है, में लगा हुआ है, तो उनका काफी इन्वेस्टमेंट है, तो इसलिए वो जो है महाराष्ट्र के बाहर से ला सकते हैं, और महाराष्ट्र में ही सोलर पावर बाहर से लाई जा सकती है। उसके लिए अडानी सोलर पावर लाएंगे गुजरात से। गुजरात से क्यों लाएंगे? क्योंकि गुजरात के कच्छ जिले में वर्ल्ड का, ये कहिए कि सबसे बड़ा रिन्यूएबल एनर्जी पावर पार्क बना हुआ है, जिसमें की सोलर, विंड पावर और ये जो रिन्यूएबल एनर्जी है, जो कि जिसको कहते हैं ना ग्रीन एनर्जी, उस तरह का पावर प्लांट पार्क है, और उसमें अडानी जो है वो सबसे बड़े ग्रीन एनर्जी के जो प्रोड्यूसर है वो अडानी है। तो वो जो महाराष्ट्र में थर्मल पावर भी बाहर से आएगी और सोलर पावर भी बाहर से आएंगे। क्यों? क्योंकि अडानी के पावर प्लांट्स बाहर शुरू होने वाले हैं, सौर ऊर्जा का प्लांट ऑलरेडी शुरू हो चुके हैं गुजरात में, और 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में शुरू होने वाले, इसलिए महाराष्ट्र में ये छूट दी गई। और अब राजस्थान पे आ जाइए, राजस्थान में ये छूट क्यों नहीं दी गई? अब यहां करता है क्रोनी कैपिटलिज्म, देखिए किस सुनियोजित ढंग से काम करता है, किस तरीके से अडानी के पक्ष में काम करता है। क्यों कहा गया कि भाई राज्य के अंदर ही होनी चाहिए? क्योंकि राजस्थान के 12 जिले में, 12 एक जिला है वहां पे, उसमें अडानी का थर्मल पावर प्लांट पहले से ही मौजूद है, जो कि राजस्थान को पावर सप्लाई कर रहा है, वहां का जो बिजली बोर्ड है उसको, उसकी क्षमता है 1320 मेगावाट, और उसको उन्होंने बढ़ाकर 3200 मेगावाट
करने के लिए पहले से ही स्वीकृति लेने की जो प्रक्रिया होती है सरकार से, वो पहले से ही उन्होंने जारी अप्लाई कर रखा है। इसका मतलब अडानी को बहुत पहले से पता था कि राजस्थान सरकार इस तरह का एक टेंडर फ्लोट करने वाली है जिसमें कि वो 3200 मेगावाट थर्मल बिजली मांगेगी और वो मुझे ही देनी है क्योंकि टेंडर मेरे ही पक्ष में जाना है, तो इसलिए मुझे पहले से ही इंतजाम कर लेना चाहिए कि 1320 मेगावाट का जो प्लांट है उसको मैं पहले इसकी क्षमता बढ़ाकर 3200 मेगावाट कर लूं ताकि टेंडर की शर्तों में भी खरा उतरूं। तो और अब उसके बाद राजस्थान में सौर ऊर्जा कहां से आएगी, तो उसके लिए भी पहले से ही इंतजाम कर रखा है जनाब ने, 10,000 मेगावाट की उत्पादन क्षमता वाला सोलर पार्क डेवलप करने के लिए। मतलब अडानी ने पहले से ही राजस्थान सरकार के साथ एमओयू साइन कर रखा है कि वो राजस्थान में 10,000 मेगावाट की क्षमता वाला एक सोलर प्लांट लगाएंगे, तो इसलिए इन इन महाराष्ट्र में बाहर से लाई जाएगी ऊर्जा और राजस्थान में शर्त लगाई गई कि ऊर्जा अंदर से ही लाई जाए। अब इसमें आप देखिए कि जो जिसके पास अगर कोई व्यक्ति कोई कंपनी ऐसी आती है कि जिसके पास दोनों तरह की ऊर्जा है लेकिन ऊर्जा प्लांट जो है उसके राजस्थान में नहीं है, तो वो राजस्थान से आउट हो गई, वो राजस्थान में टेंडर नहीं भर सकती वो कंपनी जिसके पास राजस्थान में नहीं है, क्योंकि महाराष्ट्र में तो चलिए बाहर से लाने की सुविधा हो गई तो उसमें कंपनियां आ सकती है, लेकिन राजस्थान में तो बिल्कुल ही संभावना खत्म कर दी गई। अब इसमें सबसे पहली आपत्ति तो ये आती है जो सबसे ज्यादा आपत्तिजनक है कि सोलर और थर्मल दोनों प्रकार की उत्पादन क्षमताओं की जो अनिवार्यता लगाई है टेंडर में कि दोनों प्रकार की क्षमताएं होनी चाहिए, उस ये अनिवार्यता लगाकर सरकारों ने भाजपा की सरकारों ने अडानी के लिए जो प्रतिस्पर्धा जो कंपटीशन था उसको बिल्कुल ही खत्म कर दिया, या ये कहिए मिनिमाइज कर दिया, न्यूनतम कर दिया, क्योंकि सच तो यही है कि ऐसी कितनी कंपनियां हैं, बहुत गिनती की उंगली पे भी नहीं गिनी जा सकती कि जिनके पास दोनों प्रकार के एनर्जी उत्पादन करने की क्षमता हो। तो और ये और इसमें हुआ भी ऐसा ही, क्योंकि उनका ये मानना था कि जब इतनी ऐसी शर्त लगा देंगे कि सोलर और थर्मल दोनों की शर्त लगाएंगे तो कितने आएंगे जो निविदा को जब टेंडर भरने के लिए, कितने लोग आएंगे, 2 आएंगे 4 आएंगे, और ऐसा ही हुआ भी, बिल्कुल वही हुआ। खबरें बताती है कि महज 4 जो कंपनियां थी वो आई टेंडर भरने के लिए, उसमें एक तो अडानी ही थे, एक टॉरेंट बताते हैं और एक JSW है शायद, 3 कंपनियों का नाम मुझे इस वक्त याद आ रहा है। तो वो जो कंपनियां हैं कि वो ही 4 ही कंपनियों ने इसमें भाग लिया। अब वहां पे उसके बाद आप देख लीजिए कि ये चीजें, अब सरकार जो है इसमें आगे आगे इसमें देखिए कि जो भाजपा की सरकारें हैं उनके कामकाज के तरीके देखिए कि किस तरीके से एक क्रोनी कैपिटलिज्म सर चढ़कर बोल रहा है। अब इसमें देखिए, अब देखिए जो आज तक सरकारें इस तरीके से बिजली आपूर्ति के लिए जो निविदाएं आमंत्रित करती रही हैं उसमें एक बार में एक ही प्रकार की ऊर्जा, मतलब देखिए पहले टाइम में तो हमारे यहाँ थर्मल या हाइड्रो पावर होती थी, अब सोलर भी हो गया, विंड पावर भी हो गया, तो कई तरह की जो पावर्स हैं, जो ऊर्जा है, बिजली है जो कई तरह से उत्पादित की जा रही है। तो पहले टाइम में क्या होता था कि सरकारें अब तक ऐसे करती आई थी कि एक बार में एक ही तरह की ऊर्जा सप्लाई के लिए मांग करती थी और टेंडर के जरिए उसकी मांग की जाती थी उत्पादक से, चाहे सोलर हो, चाहे हाइड्रो हो या थर्मल हो। लेकिन ये ऐसा पहली बार हुआ है एनर्जी के जो ये एनर्जी प्रोडक्शन के इतिहास में कि इस तरह की कंपनियों से दो तरह की ऊर्जा कि दोनों एक साथ जो उत्पादित करता हो वो ही टेंडर भरने के लिए आगे आए, ये पहली बार हुआ है। और इसके बहुत मायने हैं कि ऐसा क्यों हुआ है, जबकि अगर जो सरकारें पारदर्शिता से काम करती हैं और लोकतांत्रिक हैं उनसे ये उम्मीद की जाती है कि भाई वो जो ये सरकारें हैं और उनका ये नैतिक कर्तव्य भी है कि चाहे उनको किसी वस्तु की सप्लाई चाहिए या किसी सेवा की सप्लाई चाहिए, व्हाटएवर कुछ भी चाहिए, तो उसके लिए वो टेंडर करने की जो प्रक्रिया है, जो उसका प्रोसीजर है,
उसमें ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन हो। उसके लिए अब ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कब होगा, जब ज्यादा से ज्यादा लोग पार्टिसिपेट करेंगे उसमें, कई लोग टेंडर भरने के लिए उसमें, कई बिडर्स जो होते हैं, बिड बोलते हैं इसको, बिड करना, जो बिड करता है उसको बिडर बोलते हैं इंग्लिश में, तो कई बिडर्स जहां आए तो वहां ऑटोमेटिकली स्पर्धा हो जाती है। वो स्पर्धा में वो कहता है कि आप 3 रुपए पर यूनिट देंगे, हम 2 रुपए देंगे, दूसरा कहता है हम 1.80 रुपए देंगे। तो सरकार ने जो है उसमें लोएस्ट बिड, जो सबसे कम पैसा जो मांग रहा है और जो जो उनका जो जरूरत की जो चीज है वो सप्लाई कर रहा है, तो सरकारें जो कम से कम दाम पे, उचित दाम पे और वो वस्तु या सेवा को प्राप्त कर लेती है। अब तक तो इतिहास यही था, लेकिन अब क्योंकि जमाना क्रोनी कैपिटलिज्म का है तो अब जो है सरकारों के काम करने के तरीके बदल गए हैं। अब सरकारें कुछ चुनिंदा उद्योगपतियों, चुनिंदा कॉरपोरेट्स, चुनिंदा कंपनियों के लिए काम कर रही हैं। तो ये तो मैंने आपको ये पूरा बताया कि ये दोनों सेवा की जो शर्तें थी कि दो की दोनों पावर थर्मल और सोलर एक ही कंपनी उत्पादन करती हो, महाराष्ट्र में बाहर से सप्लाई कर सकती है, राजस्थान में, राजस्थान के अंदर पावर प्लांट होना चाहिए। तो इन्हीं शर्तों के साथ में महाराष्ट्र में अडानी ग्रुप को पावर सप्लाई का ठेका मिल चुका है और 25 वर्षों के लिए वो ठेका दिया गया। अब जो मैंने आपको बताया इससे आप शायद मेरे ये बोलने से पहले ही दर्शकों ने अनुमान लगा लिया होगा कि राजस्थान में टेंडर किसको मिलेगा, किसके नाम पे खुलेगा टेंडर, जिसको कहते हैं कि राजस्थान में किसके नाम पे ठेका छूटेगा पावर सप्लाई का। जाहिर है अडानी के नाम पर छूटेगा, क्योंकि जो कंपनियां अगर आएगी भी तो उनके पास ये होगा ही नहीं राजस्थान में दोनों। और ये बताया भी जा रहा है, खबरें बता रही कि फ्रंट रनर है अडानी इसमें भी, तो वो राजस्थान का ठेका भी उन्हीं के नाम छूटेगा। क्योंकि जितनी, और क्योंकि आप ये देखिए कि राजस्थान में जितनी बड़ी मात्रा है पावर जो उन्होंने डिमांड की है, 11,200 मेगावाट की उन्होंने डिमांड की है, तो और वो भी राज्य के अंदर, तो इतनी इतनी कठिन शर्तें तो कोई कंपनी, बहुत ही मुश्किल है कि वो पूरा कर पाएंगी। और इससे क्या हुआ है कि सौर उत्पादन के क्षेत्र में, सौर ऊर्जा का जो उत्पादन है उसके क्षेत्र में कई छोटी छोटी कंपनियां आई हैं। अगर ये टेंडर अलग अलग करके इनवाइट किए जाते हैं कि भाई सौर ऊर्जा के लिए टेंडर इनवाइट किया जाता है, तो उन छोटी कंपनियों को भी कंपीट करने का मौका मिलता, वो भी आती। लेकिन आपने एक तो इतनी बड़ी मात्रा में ऊर्जा की मात्रा इतनी बना दी, मेगावाट इतने रख दिए, और दूसरे शर्त ये लगा दी कि थर्मल भी हो आपके पास तो आ सकते हैं। तो छोटी ऊर्जा कंपनियां, जो सौर ऊर्जा की कंपनियां हैं, वो तो पहले ही इससे आउट हो गई है कॉम्पिटिशन में, क्योंकि वो इतनी बड़ी मात्रा में दे ही नहीं सकती, और दूसरे उनके पास सोलर ऊर्जा नहीं है, सॉरी थर्मल पावर उनके पास नहीं है। उसमें बची 4 कंपनियां जिनकी की मैंने ऊपर बात की। तो अब ये तो जाहिर है, अब इस तरीके से जब एक ही कंपनी का एकाधिकार होगा दोनों राज्यों में पावर सप्लाई पे, महाराष्ट्र में भी, महाराष्ट्र के जो नॉर्थ जो भी पावर सप्लाई जिस भी एरिया के लिए होगी वो, और राजस्थान में भी, तो आप अंदाज लगाइए अगर एक कंपनी दोनों तरह की पावर सप्लाई की मालिक बनी बैठी है तो ग्राहकों से किस प्रकार से मनमाना दाम वसूल किया जाएगा उसका, क्योंकि एक व्यक्ति के ऊपर डिपेंडेंस है आपकी, आपने कॉम्पिटिशन तो आउट कर ही दिया है वहां से। तो ये सब कहने का मेरा, ये सब आपके सामने जो ये जो मामला आपके सामने, रिपोर्टर कलेक्टिव की जो रिपोर्ट है जो ये आई है, जो ताजा खुलासा हुआ है, इसको आप दर्शकों के सामने रखने का अभिप्राय ये था कि हम आपको समझा सकें, हम आपको बता सकें कि भाजपा शासित सरकारें, चाहे वो केंद्र में हो चाहे वो राज्यों में हो, वो किस प्रकार से अडानी का हित साधन, हित पोषण करने में लगी हुई है। देखिए, जब सरकार इस प्रकार से जानबूझकर टेंडर की सेवा शर्तों को इस तरीके से डिजाइन करे कि जिससे कि किसी एक या दो कंपनियों को ही फायदा पहुंचे, बाकी सब आउट हो जाएं उसमें से, एक या दो कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए टेंडर की शर्तें रखे या इस तरह का माहौल पैदा करे, तो इसी को क्रोनी कैपिटलिज्म कहते हैं फाइनेंस के वर्ल्ड में। यही है क्रोनी कैपिटलिज्म, जिसका जिक्र आपने राहुल गांधी के लगभग लगभग हर एक भाषण में सुना होगा। यही वो है जिसके बारे में राहुल गांधी कहते हैं A1 और A2 के लिए काम कर रही है ये सरकारें। A1 और A2 की बंधुआ बनी हुई है, उनकी कठपुतली बनी हुई है।
यही यही वो सरकार है। अब आप ये देखिए, ये तो रिपोर्टर्स कलेक्टिव के माध्यम से हमारे सामने ये इतनी डिटेल्स आ गई। इसके अलावा जो अडानी जी को एयरपोर्ट्स दिए जा रहे हैं, पोर्ट्स दिए जा रहे हैं, रेलवे दी जा रही है, मतलब सब जो भी ठेके हो कि अडानी जी ने करना धरना कुछ नहीं है और जो तैयार माल है उसमें वो जाके बैठ जाते हैं, तो वो उनमें कितनी अनियमितताएं हो रही होंगी हमारे देश में। इसका मतलब तो ये हुआ कि रिपोर्टर्स कलेक्टिव जैसी एक नहीं कई कई ऐसे समूहों की, ऐसे खोजी पत्रकारों की जरूरत है जो इस तरह की, जो ये जो क्रोनी कैपिटलिज्म, जो ये याराना पूंजीवाद जो चल रहा है। देखिए, कैपिटलिज्म में बुराई नहीं है, और ना राहुल गांधी, जो मेरा मानना है, जो मैंने समझा है, उनसे मेरी पर्सनल बातचीत भी हुई है, वो कैपिटलिज्म के खिलाफ नहीं है। कैपिटलिज्म का मतलब है प्रतिस्पर्धा। बहुत सारे जो उद्योगपति हैं, बहुत सारे कॉरपोरेट्स प्रतिस्पर्धा करें, सरकार उनके लिए खुला माहौल दे कि आइए, सब आइए, पोर्ट के लिए बिड कीजिए, एयरपोर्ट के लिए बिड कीजिए, रेलवे के लिए बिड कीजिए, आइए, उसमें प्रतिस्पर्धा रहेगी। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, क्रोनी कैपिटलिज्म। यहाँ क्या कि एक या दो के पक्ष में जो भी कोई सरकार को जो भी कोई ठेका छोड़ना है, कोई भी निजीकरण करना है किसी पब्लिक सेक्टर की किसी यूनिट का, तो वो ऐसा नहीं है कि सबको बराबर मिले। उद्योगपति केवल देश के अंदर अडानी या अंबानी नहीं है, इसके अलावा भी बहुत उद्योगपति है इस देश के अंदर, लेकिन वो सब इस वक्त रेस से बाहर है। जो भी कुछ हो रहा है वो अडानी अंबानी के लिए हो रहा है, और ये इस देश के जो कैपिटलिज्म के अंदर जो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है वो प्रतिस्पर्धा नहीं है। और ये क्रोनी कैपिटलिज्म ये एक बीमारी है। इस बीमारी ने इस देश को की जो सरकार है उसको मजबूती से जकड़ रखा है, इसके पंजों में की जकड़ में है ये सरकार। और इसलिए जो ये सरकार है, वर्तमान सरकार, मोदी की सरकार या भाजपा शासित सरकारें हैं, वो सब क्रोनी कैपिटलिज्म की जकड़ में है। और ये जो हमने आपको बताया कि सरकारें जब इस तरीके से सेवा शर्तें जो वो बाहर से लेती हैं प्राइवेट कंपनीज से, और सेवा की शर्तें किसी एक या दो ग्रुप के पक्ष में इस प्रकार से डिजाइन करती हैं कि उसी को से लाभ मिले, तो ऐसा क्रोनी कैपिटलिज्म ही पैदा करता है कि कुछ चुनिंदा लोगों के हाथ में इस देश की 70% जो दौलत है वो जाके सिमट गई है। ये इसी तरह के क्रोनी कैपिटलिज्म का नतीजा है। तो मैं यहां अपनी बात को समाप्त करना चाहूंगी, बाकी निर्णय हम दर्शकों के ऊपर छोड़ते हैं। नमस्कार।